अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत के साथ होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहां भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़र अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, आज का प्रोग्राम हम लाए हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी कराची में, जहाँ आए हैं नए नए जनाब आली स्टूडेंट्स, इंटर पास किया और एडमिशन की तैयारी है रमादान। जनाब कुछ मेरिट पर, कुछ टेस्ट पर, तो देखते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जो पास आउट होकर जा रहे हैं, क्योंकि मैंने ये भी सुना कि यहाँ से बहुत से बच्चे पास आउट होकर जा रहे हैं। ऑब्वियसली जिनका एडमिशन हो रहा है वो एडमिट तो हो रहे हैं, जो एग्जिट ले रहे हैं उनसे ही बात करेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा, और इस दौरान इन दोनों से ही अपने सवालात की बारे में जानकारी करेंगे कि उनकी सेंसेस कितनी एक्टिव है आते हुए और जाते हुए। तो हम चलते हैं। ये 22-31-90 क्या चीज है? पता नहीं, कोई कोड है मेरे ख्याल से। कोड है? किस चीज का कोड है ये? ये कोई बहुत सीरियस खुफिया कोड, खुफिया जो लीक हो रहा है। बिल्कुल लीक हो रहा है। ये क्या लीक हो रहा है यार, ये समझ नहीं आ रहा कि पानी लीक हो रहा है, गैस लीक हो रही है या सिल लीक हो रहा है। एक भाई ने कहा, आपको ख्याल में भी क्या बस लीक ये हो रहा है? पानी कंट्रोल करने का कोड लीक हो रहा है, पानी लीक हो। और ये वाला कोड जो था ये 22-31-90 ये यही है? ये यही है, ठीक है। अच्छा, अभी आजकल बड़ा वायरल हुआ है, हम तो स्टूडेंट है, मैं तो पता नहीं सोशल मीडिया पर आ जाता है, मतलब है कि मैं पूछ रहा था ये जो लीक हो रही है क्या ऑडियो? ओ ऑडियो, हाँ। ये क्या है, ये कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कोई भाषा समझ में आ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आनी भी नहीं चाहिए, समझने के काबिल ही नहीं है, अभी तो नहीं आ रही, आनी पसंद नहीं आई, बिल्कुल नहीं, रत्ती बराबर पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं, छू के भी नहीं गुजरी, करीब भी नहीं गुजरी, छू के भी नहीं गुजरी, करीब से भी नहीं गुजरी। अल्लाह, मुझे बताओ निहार मुंह कितने अंडे खा सकते हो? निहार मुंह हार्डली दो है, दो दो खा लोगे पक्का? उबले हुए या तले हुए? दोनों दोनों। हाफ फ्राई या फुल फ्राई? हाफ फ्राई। दो लगा ले बेटा। अच्छा, मुझे नहीं पता क्या पीछे करने वाला जीतता है। ये कौन लोग होते हैं जो पीछा करके आगे जीतते हैं? पहले से लोग जांच पड़ताल करके फिर आगे जेल देते हैं। पहले जांच पड़ताल करके उसके बाद जीतते हैं आपके ख्याल में? ये कौन लोग होते हैं जो बैक बैटिंग करते हैं? लड़कियों में तादाद ज़्यादा है लड़कों में? लड़कियों में, लड़कियों में ज़्यादा। किस चीज़ की मतलब जेलसी, क्या मतलब क्या होता है लड़कों की तो, या फिर सर ये नंबर ऐसे और लड़कों को दे दिए, मतलब हम नोट्स बना रही हैं और लड़के ऑफिस जाते हैं कम आते हैं, ऐसा ही कोई बात? बिल्कुल ऐसा ही, फेवरिज्म बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा है, बहुत है। तो फिर मतलब क्या किया जाता है? सर को खुश करते हैं? सर को खुश कर नहीं सकते। अच्छा, आज कौन पसंद है आपको? कि कहाँ पर, कहाँ नहीं, वैसे ही किस पॉइंट ऑफ व्यू में, किस कैटेगरी में? कैटेगरी में, हाँ, सियासी कैटेगरी में। सियासी कैटेगरी में कोई भी नहीं, अभी कोई पसंद नहीं आ रहा, थोड़ा सा भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा भी। खुद को मौका मिले पहला काम क्या करेंगे आप? खुद को अगर मौका मिले पहला काम करने के लिए तो क्या करेंगे आप? पहला काम करने के लिए किस चीज़ में? पहला काम सियासत में, आपको वजीर आजम बना दिया गया। चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जो बिगड़ रही हैं, या उस चीज़ को सफासी से खाली कर देंगे तो ताकि आगे मसले ना हो जो 30 साल में उतरे? नहीं, इतना 30 मार्क उनको आया ही नहीं है। नहीं आया, नहीं आया, आ सकता है? पता नहीं, शायद अल्लाह ले आया है ना, शायद ले आया है ना, ऐसे कोई अल्लाह का बंदा, कोई अल्लाह उतर जाए, कोई उतर जाए, कोई तो उतर जाए, कोई तो उतर जाए, कोई तो जाए। बहुत शुक्रिया, खुश रहे बाद हम खर्चे पे रहे, थैंक यू सो मच। अब यहाँ से निकले मैं ऐसे जा रहा हूँ। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम पाया है? जहांजेब खालिद। जहांजेब खालिद पाया है, माशाल्लाह। क्या पुकारा है? जहांजेब कहते हैं या खालिद कहते हैं? यार कभी भी कुछ भी कह देते हैं, जो मुँह में आए दोस्त, जो मुँह में आए कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हो तुम लोग जो मुँह में आता है? वैसे जैजी कहते हैं। जैजी, ओ माई गॉड, जैजी, ओ क्या बात, जैजी कहते हैं। अच्छा बंदा यार है, बेचारी असल में बैंक बात नहीं कर रही है, मैं दिखाता हूँ ऑनलाइन बिजी कर रहा हूँ, ऑनलाइन ऑनलाइन पेशा है, इट्स ओके, जस्ट फॉर फन, राइट? क्या बात। अच्छा क्यों, क्या कर रहे हैं आजकल? यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में भाई, माशाल्लाह भाई। के अलावा तो सब हो रहा है फिलहाल। क्या पढ़ रहे हैं आजकल? मैं बायोमेडिकल साइंसेज में। ये बायोमेडिकल साइंस होता क्या है बेसिकली? बेसिकली ये बैचलर्स की डिग्री है और रिलेटेड टू लैब फॉरेंसिक वगैरह, इन सारी चीज़ों से। क्या मतलब बायो से मैं जो समझ रहा हूँ वो डॉक्टर फील्ड, फार्मा, समथिंग लाइक? हाँ, काइंड ऑफ फार्मा वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, उसी में जाए तो आपको शौक था, ये शौक करवाया गया? ये शौक हालात के हिसाब से हो गया। हालात यानी वैसे शौक तो डॉक्टर बनने का था। अरे नहीं करें यार, माशाल्लाह यार। नहीं नहीं, आपने फिर भी अंदर डॉक्टरी फील्ड तकरीबन चुन ली है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन आई थिंक इज गुड कि जो अल्लाह चाहता है वो बेहतर होता है। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही है। इन दी एंड मैं ही पूछना चाह रहा था कुछ चंद एक सवाल, कुछ जवाब लेना चाह रहा था। निहार मुंह हम कितने अंडे खा सकते हैं? निहार मुंह हम कितने अंडे खा सकते हैं? मतलब निहार मुंह ही खाना है? नहीं, निहार मुंह नाश्ते वाश्ते में। अच्छा, ये कॉमन सेंस है? यस सर, नॉट पहेली शहेली, राइट? निहार मुंह हम कितने, हम ये कह रहे हैं भाई निहार मुंह कितने पकौड़े खा सकते हैं, है ना? हमने के लिए अंडे कर दी। नहीं, निहार मुंह अगर है तो फिर हम कैसे खा सकते हैं? मतलब लाइक इन सेंस, उड़ गए हम सुबह, उड़ गए, नाश्ता करते हैं हम, लेकिन तो भाग से आज अम्मी ने अंडे पकाए हैं, उबले हुए अंडे रखे हैं, तो आप कितने अंडे खा लेंगे निहार मुंह? नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। क्या होगा खाने के बाद? क्योंकि
नहीं खाना वैसे ही नहीं खा सकते ना, पहले तो यही खाना, पहले तो मुँह हाथ वगैरह धोना है ना, फिर निहार मुँह खत्म हो गया ना। वाह क्या बात है, निहार मुँह खत्म हो गया, मुँह धो लिया बिल्कुल, खाने से खत्म होगा ना। हाँ अच्छा चले, कितने खा लेंगे आप? फ्राई भी हैं कोई, बॉयल भी हैं? फ्राई खा सकते हैं, बॉयल नहीं खा सकते। कितने खा लेंगे? एक। एक शुक्र माशाल्लाह। अंडे में क्या होता है? अंडे में क्या होता है? अफादियत की पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि बायो प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है, ठीक है। और किस उम्र के लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते, बूढ़े लोग या जवान? बूढ़े लोग ज़्यादा खाना चाहिए उनको, क्योंकि उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, बोनस में जीरो होता है। बोनस में जीरो, क्या बात है। आपका कौन सा बोनस है, आपको लग रहा है कहाँ तक का बोनस लगेगा? यार जो आजकल हालात चल रहे हैं वो तो 50 के बाद ही बोनस शुरू हो जाते हैं। हाँ जो हालात, बाकी नो डाउट यार, लोग पहले कहते 60 के बाद जो लगे वो बोनस। नहीं नहीं, अब 50 आ गया है। क्या वजह है, हमारी रूटीन की प्रॉब्लम है, खाने पीने का प्रॉब्लम? नहीं नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। कोई बात भाई, तुसी ग्रेट माशाल्लाह। मुझे ये बताइए सर कि एक तो हो गया ये अंडे वाला, हो गया ठीक है, मुझे बताएं पीछे करने वाला जीतता है? पीछे करने कौन है जो पीछे करता जीतता है? कौन लोग होते हैं ये जो पीछे करते हैं वो जीतते हैं? जो जूनियर्स होते हैं, जो जूनियर्स उनको उनके लिए क्राइटेरिया बन जाता है ना आगे जाने का। क्योंकि हम अपनी फील्ड के पायनियर्स हैं, दैट्स व्हाई हम इसलिए बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ठीक है। वैसे क्यों लोग, क्यों अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें कि लोग अक्सर पीछे करते हैं आपको पढ़ने के लिए, जी जी, तो वो फिर कहाँ जाते हैं? वो मेरे ख्याल से जहन्नम में ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि अभी पीछे करने के लिए आगे बढ़ रहे तो फिर हम तो उनको ही पीछे छोड़ेंगे ना, बजाय इसके हाथ पकड़ के उसको खींच लें। नहीं नहीं नहीं, वो अगर हमें पीछे, अगर उनकी नियत साथ चल लेंगे तो क्यों नहीं। बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग, लड़कियां लड़के कौन करता है? दोनों। दोनों सबसे ज्यादा? ज्यादा लड़कियां, ज्यादा लड़कियां। मार्क्स ज्यादा आ जाएं तो लड़के लड़के लड़ते हैं, लड़कियां लड़कियां लड़ती हैं, लड़के लड़कियां इस मामले में बड़े अंडरस्टैंडिंग होते हैं। अच्छा, वो मतलब यानी क्योंकि दोनों के ही नहीं आते ना, तो वो इस जगह आके कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, है ना। हाँ, बट लड़कियां जो है वो मसला हो जाता है, मसला हो जाता है। मसाले वाली न्यूज ले रहे हैं आप, मुझे लग रहा है। क्या बात है, फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर? यार मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान से बाहर, बट ये कि इंशाल्लाह कुछ बन के फिर वापस पाकिस्तान आना। जमीन तो अपनी है, जमीन अपनी है, बिल्कुल सही है, और पाकिस्तान के लिए तो जान भी हाजिर है, जान भी हाजिर है। जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है? नहीं, ये लीक क्या हो रहा है? ये कहते ना नल का लीक कर गया, गैस लीक कर रही है, सुई गैस, सियासी बयान हो जाएगा ये। देखिए बात भी ऐसी करनी है ना, मैं चाह रहा हूँ हम स्टूडेंट्स हैं ना, तो स्टूडेंट ऐसी बातें करें। सही, तो ये क्या लीक हो रहा है आजकल, बड़ा वायरल हुआ है, क्या समझ नहीं आ रहा, मैं बड़ा परेशान हूँ। बहुत सारी चीजें लीक हो रही है, इवन के पूरा सिंध लीक हुआ है, अगर आप देखें तो फ्लड विक्टिम्स की वजह से, तो उसमें तो बहुत सारे लोगों की कारकर्दगी दिख गई है ना। बट ये जो लीक हो रहा है वो सही हो रहा है, खुश हैं आप? नहीं, होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल किसी की बातें लीक कर दी, बिल्कुल। हाँ, वो बहुत खतरनाक जगह से लीक हुई। बहुत से स्टूडेंट यहाँ कह रहे हैं यार इनका टैलेंट बड़ा कमाल का है, बट टैलेंट क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है असगर आपके? मैं ठीक हूँ। असगर, असगर, सॉरी, नहीं एजेड है यार, एजेड है। खान साहब क्या कर रहे हैं? खान साहब कैसे हैं? असल में इतने लोगों से मिलना होता है इसलिए नाम वाम बिल्कुल थोड़ा सा निकल जाता है, और जो टेंशन चल रही है आजकल मुल्क में आप देख रहे हैं, तो इसलिए ये सारे हालात सारी चीजें देखते हुए नाम में क्या रखा है, क्या रखा है? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये कहाँ से आवाज निकल, कैसे, क्या करते हैं? असल में इसके लिए आपको रोज सुबह उठ के गर्म पानी के गरारे करने पड़ते हैं, और गरारे ऐसे होने चाहिए बॉइलिंग वाटर के, आपका गला जो कोलैप्स्ड हो जाए। वाह भाई बहुत बढ़िया, बट टैलेंट की कमी नहीं है। और कोई आवाज मतलब? नहीं और कोई नहीं है, बस यार मौसीकी से लगाओ हो, मौसीकी वगैरह? हाँ प्लीज प्लीज, थोड़ा सा। जी जी, नोश फरमाए। बिछड़े अभी तो हम, वाह वाह, कल परसों जीऊंगा मैं कैसे, इस हाल निरस दो। ये मेरे कहानी। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। मौत नाई तेरी क्यों आई है लंबी जुदाई, वाह वाह, चार दिनों का प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। वाह ये सर क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, लाएंगे इसी टैलेंट पे सर, ये बनता है आपके लिए, आपके साथ जाएगा और हमारी याद दिलाएगा कि जब आप उनके पास होगा सामने देखेंगे सर, एक पिक्चर बनवाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, पिक्चर ले लेंगे। 1 2 3
जज़ाकअल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। वक्फा लेना बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, लेंगे छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा ज़रा खिदमत होते हैं प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान नज़र अली बेकारों के साथ। Once again, program, हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब अली। आज मौजूद हैं सर सैद यूनिवर्सिटी में, बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं एडमिशन लेने और कुछ पास आउट होने को। ये कौन लड़का है इससे देखते हैं, बहुत सारे पेपर हैं, आइए तालियां। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। क्या नाम पाया है? साकिब हसन नाम है। साकिब हसन, माशाल्लाह। साकिब हसन क्या करते हैं आजकल? मैं अभी पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं? अच्छा, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर अभी एडमिशन के लिए आए हैं। एडमिशन हो गया आपका? जी बिल्कुल। अरे वेरी गुड, किसी ने बताया था भाई सरसई यूनिवर्सिटी जाएं और यहाँ पे ये, मतलब या खुद का मन हुआ क्या, करीब है या प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है या बहुत तारीफें सुनी थी? देखिए, सर सैद यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग की टॉप सेकंड यूनिवर्सिटी में आता है और घर के करीब भी है, इसलिए लेने पे दो फायदे हैं। एक तो थोड़ा फायदा होगा कि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है और घर के करीब भी है, तो आना जाना भी, मतलब पेट्रोल बचत हो जाएगी। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। तो माशाल्लाह क्या लेने जा रहे हैं, क्या चुन रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे नाम आया। अच्छा माशाल्लाह जी। तो मेरिट पर टेस्ट दिया? टेस्ट दिया। टेस्ट दिया था आपने? अच्छा वेरी गुड। तो टेस्ट में क्या पूछा गया सबसे ज़्यादा? टेस्ट में बेसिकली वही आपकी इंटर बेस चीज़ें आती है, इंटर बेस पे होगा और इसके अलावा जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स ये था और जनरल नॉलेज के बेसिक सवाल थे। अच्छा, बाकी ओवरऑल टेस्ट। जनरल नॉलेज में क्या क्या सवाल रखे हैं? जनरल नॉलेज में बेसिकली पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में सवाल आते हैं, लाइक 14 पॉइंट्स कब दिए गए थे कादी आजम ने, किस मौके पर, हाँ जी 14 निकात कब दिए थे और किस मौके पर दिए थे, उसके अलावा पाकिस्तान का पहला वजीर जनरल गवर्नर जनरल कौन था, प्राइम मिनिस्टर गवर्नर जनरल कादी आजम थे और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान जी। ठीक है, और क्या इसके अलावा सेट कर और क्या सवाल थे? उसके अलावा जो इंटर में बेसिकली जो हैंगे मोशन हो गया, सही है, उसके अलावा मैथ में बेसिक चीजें हो गई, उससे रिलेटेड सवाल आते हैं, मैथमेटिक्स भी था। बिल्कुल, ये तो हो गई काम की बात है। मुझे बताएं कि कुछ कॉमन सेंस का एक सवाल था कि निहार मुंह, आप निहार मुंह कितने अंडे खा सकते हैं? निहार मुंह कितने अंडे खा? पहले डिसाइड कर लेते हैं, उबले हुए खाएंगे या हाफ फ्राई खाएंगे आप? हाफ फ्राई का। हाफ फ्राई, हाफ फ्राई ले आओ। हाँ, अपना कितने खाएंगे आप? एक दो। एक दो, अच्छा इसका कॉमन सेंस क्वेश्चन राइट। हाँ, निहार मुंह कितने पकौड़े या अंडे खा सकते हैं? निहार मुंह तो खैर खाता नहीं हूँ। अच्छा खाते नहीं, सवाल है ना। निहार मुंह, निहार मुंह कितने पकोड़े खाते हो तुम, किसके लिए? नहीं पता। नहीं पता, अंडे भी नहीं खाए, बहुत महंगे हो रहे अंडे। अरे भाई इतने महंगे अंडे कौन, 2200 रुपये, 2231.90, क्या चीज़ है? हाँ महंगाई हो रही है आपको पता है। ठीक है, कौन है वो जो पीछे करता और आगे कहता है मैं जीत गया, पीछे करने वाला कहता है मैं जीत गया, जो पीछे करता है वो जीतता है? नहीं पता। नहीं पता। अच्छा ये जो लेग पुलिंग होती है, टांगे खींचा तानी है ना अफसर होता है, वो ऐसा मैं वैसा, इसे नंबर अच्छे उठा लिए, सर आपने इसे नंबर क्यों दिए, लड़कों में ज़्यादा है लड़कियों में ज़्यादा? बेसिकली लड़कियों में ज़्यादा ही है, लड़कों में तो है नहीं। लड़कों में नहीं, लड़कियों में सबसे ज़्यादा है ना। सर इसको नंबर ज़्यादा क्यों दिए? जॉब पे जाते हैं हम, रोजाना आते हैं, नोट बनाते हैं, ठीक है? सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, खुश रहे हैं, बात थैंक यू सर। सुन नजर भी आगे चलते हैं, लोगों से गप और शप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? बस शुक्र है मालिक का। क्या नाम है? गौहर अली। गौहर अली, माशाल्लाह। गौहर अली मियां क्या कर रहे हो आजकल यहाँ पे भाई? बस अपने FYP के लिए आए हुए हैं। FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है। अच्छा अच्छा, लास्ट ईयर में है ना? लास्ट ईयर। अरे फुल आज़ादी? जी जी। अरे माशाल्लाह, क्या खुशी चेक कर रहे हैं आप ये बंदे की, माशाल्लाह। तो मतलब आज़ादी के बाद फिर क्या करेंगे आप? आज़ादी के बाद इंशाल्लाह जॉब। जॉब जैसे नहीं कि पहले शादी करना पड़ेगा? नहीं नहीं, फिलहाल तो नहीं, पहले सेटल होना पड़ेगा, उसके बाद सेटल। तो हम सेट कब होंगे? बस सेट कब होता है?
ایز اے اسٹینڈرڈ سیلری مطلب مل جائے تو اس کے بعد. اور آج کے دور میں 2022 میں اسٹینڈرڈ سیلری کتنی ہوئی گئی آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے 55-60 کے قریب لگ بھگ. جی ایسے ہی میں پوچھا تھا نہار منہ ہم کتنے انڈے کھا سکتے ہیں؟ نہار منہ نہار منہ میرے خیال سے 3-4 کھا لیں گے. آپ کون سے کھائیں گے, ابلے ہوئے یا فرائی؟ ابلے ہوئے 3-4 کھا سکتے ہیں. ابلے ہوئے 3 لیں. اچھا کنفرم. جی جی. کون ہے وہ جو پیچھے کرتا ہے اور کہتا ہے میں جیت گیا؟ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم پیچھے کر کے جیت گئے؟ اور لا بھی ٹھیک ہے, اصول بھی ہے, مطلب یہ اس طرح کا ہے کہ مطلب ٹارگیٹ کے پیچھے لگ گئے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو حاصل کر لیا. اب اس میں قائد اعظم آ گئے اور اس کے علاوہ نیلسن منڈیلا جو کہ 10-15 سال جیل میں رہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا اپنا جو مقصد تھا وہ حاصل کر لیا. ظاہر ہے. جی مجھے بتائیں یہ ٹانگیں کھینچنا ایک لفظ ہے نا, کہتے ہیں یار بہت ٹانگیں کھینچتا ہے, یا ٹانگیں اڑانا بھی ایک لفظ ہوتا ہے عموماً, تو ٹانگیں کھینچنے میں خواتین نمبر ون پر ہیں یا مرد حضرات؟ نہیں دونوں ہیں ایک طرح سے, مگر میں زیادہ تر جو میجورٹی ہے وہ عورتوں میں آتی ہے, عورتوں میں پائی جاتی ہے, کیونکہ ان میں جلن زیادہ ہوتی ہے. کس لیول کی جلن ہوتی ہے؟ یہی چھوٹے لیول پہ ہوتی ہے اور کوئی بڑے لیول پہ ہوتی ہے. ہاں چھوٹے لیول پہ اچھے کپڑے ہیں, بڑے لیول پہ بڑی گاڑی کو لے لی. جی جی. ہمارا مکان ڈیفینس میں شفٹ ہو گئی میں. جی جی ایسا ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. بہت بڑھیا سر, بہت شکریہ, خوش رہے ہیں آباد, جزاک اللہ. آئیے مزید لوگوں سے گپ شپ لگاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں گرامی کیا ہے آپ کا؟ فاطمہ. یو فاطمہ, ماشاء اللہ. فاطمہ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ سافٹ ویئر انجینئر. ارے ماشاء اللہ, کر لیا یا کر رہی ہیں؟ لاسٹ سیمسٹر. ارے کتنی خوش قسمت ہے ماشاء اللہ, سانس لیا ہے پورا. مطلب یہ کتنی, یہ مجھے ایک بات بتائیں, لوگ جب فائنل ایئر میں اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیا اگر جاب مل چکی ہوتی ہے یا جان چھوٹ چکی ہوتی ہے؟ دوسرا آپشن. جان چھوٹ چکی ہوتی ہے. او بھائی واہ, پرسکون لائف, زندگی کتنی ٹف. تو سکون سے آپ نے 4 سال نکالے کہ 1 سال بڑھا لیا تھا؟ نہیں نہیں, سکون سے 4 سال. یہ لڑکے زیادہ 5 سال پہ چلے تھے, لڑکیاں زیادہ 5 سال پہ جاتی ہیں اپنے خیال میں. ریشو زیادہ کس کا ہے؟ ریشو ہی لڑکوں کا ہے, ویسے بھی پاپولیشن ہی لڑکوں کی زیادہ ہے انجینئرنگ یونیورسٹی. یہ دیکھیں ذرا, لڑکے پڑھتے نہیں ایسے فیل ہو جاتے ہیں, 5 سال پہ چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے؟ نہیں نہیں, ایسی بھی بات نہیں. اچھے لڑکے بھی, اچھے لڑکے بھی ہوتے ہیں. بالکل بھائی, یہ جائز اور نیوٹرل بات کی انہوں نے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے بتائیں کہ آپ نہار میں, نہار میں آپ کتنے انڈے کھا سکتی ہیں؟ ایز اے کامن سینس کوئسچن, نہار میں ہم کتنے انڈے کھا سکتے ہیں؟ ڈپینڈ آن یو کہ وہ بوائلڈ ہوں یا فرائی ہوں. ون کھا لیں گے. فرائی یا بوائل؟ بوائل. ایک بوائل لگا دینا. ٹھیک ہے, ابھی شیور کنفرم. ٹھیک ہے. کون ہوتا ہے جو یہ پیچھے کر کے جیتتا ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے کر کے جیت جاتے ہیں؟ سمجھی نہیں آپ کی بات. مطلب وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پیچھے کرتے ہیں اس کے بعد جیتتے ہیں, اور ان کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ یہ میرا آئیڈیا نہیں ہے. کیوں کرتے ہیں آپ ہم ایک دوسرے کی وہ ٹانگ کھینچائی؟ ٹانگ کھینچائی. بالکل جی, ٹانگیں کیوں کھینچتے ہیں ہم ٹانگیں؟ ویسے کرنا تو نہیں چاہیے, ہر کسی کی اپنی سکسیز ہے, اپنی لائف ہے, ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو پیچھے کر کے ہم آگے نکل جائیں گے. اب شو کہ وہ آگے کہاں نکلتے پھر وہ؟ آپ ایک ٹائم کے تک نکل جائیں گے, لیکن بعد میں کچھ ریگریٹس تو لائف میں ہوں گے نا. ضمیر مارے مارے گا کہ تم نے اس وقت اس کو یہ کیا تھا. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اگر سامنے والا کتنا مطلب اس چیز کو یاد رکھے, اس تکلیف کو یاد رکھے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس سوال پہ غور کیجیے گا, کون ہے وہ جو پیچھے کرنے والا جیتتا ہے؟ پتہ ہے. ہیں پتہ ہے, پیچھے کرتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں. وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو پیچھے کرتے ہیں اور جیت جاتے ہیں؟ پیچھے کرتے ہیں اور جیتتے ہیں, اور وہی ہوتا ہے. ہاں بھائی یہ جیت گئے, اصول بھی یہی ہے. اگر 1 لاکھ دے دیا تو آسان ہو جائے گا. پیچھے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وی آر ون, ہم جیت گئے. ٹیم ہوتی ہے. چلیں آسان کر دیتے ہیں. نہیں آئیڈیا نہیں ہے. پیچھے کرتے ہیں, میں چاہ رہا ہوں آپ گفٹ لے جائیں. وہ پیچھے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم جیت گئے, اور لا بھی یہی ہے اس کا. گیم ہے. نہیں میں سمجھ گئی, شکر ہے بھائی. ہاں اب وہ کون ہے جو ایسا کر کے پیچھے کرتے ہیں سارے کے سارے اور کہتے ہیں وی ون, ہم جیت گئے, اور وہ کہتے ہیں او یار گریٹ. سر لائیں گفٹ, لائیں ان کے لیے گفٹ ہے. کیا بات ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ, خوش رہیے, آباد رہیے. پلیز ایک پکچر بنوا لیجیے گا تاکہ یاد رہے کہ ہم نے گفٹ دیا تھا آپ کو, کہیں بھول جائیں. ہاں 1-2-3
छोटे से लेंगे वक्फा, वक्फे के बाद ही हम हाजिर खिदमत होंगे, बिकॉज ऑफ वक्फा हर चीज़ में लेना चाहिए, सोच समझ के वक्फा लीजिए। कहीं भी कोई काम कर रहे हो तो वक्फा हमेशा लें, थोड़ा ठहरे समझे सोचे, सवाल भी हो तो उसको भी ठहरे समझे सोचिए, असातिज़ा टीचर की बात कीजिए, अगर वो भी कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को समझे तो आपको हर बात समझ में आ सकती है बआसानी, वालदैन की बात हो, पड़ोसियों की बात हो, किसी की भी बात हो, लेकिन आपने हर बात को सोचना समझना, ठहर के भगदड़ किसी काम में नहीं मचानी, वरना नुकसान हमारा और आपका ही है। छोटा सा लेंगे वक्फा, वक्फे के बाद खत्म होते हैं प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ मौजूद है ना, तो कैसे पता चले कि इंसान ठीक है ना, तभी यहाँ मौजूद है माशाल्लाह। Exactly. क्या इसमें ग्रामी है आपका? वरीशा। वरीशा माशाल्लाह। वरीशा क्या करने जा रही हैं, क्या कर रही हैं? मैं बायोमेडिकल साइंस में हूँ, बैचलर प्रोसेस में मेरा। अरे माशाल्लाह, ये खुद से चुना था, चुनवाया गया था? चुनवाया गया था। वाह वाह, चुनवाया तो भाई अनारकली को चुनवाया गया था, इनको यहाँ चुनवा दिया भाई माशाल्लाह। ये खुद चुनवाया गया था या आपको किसी ने कहा था आप चुन जाए? अब्बा ने कहा था नहीं बेटा यही लेना है, ये दोस्तों के कहने पर आप आ गई? सबके कहने पे आ गई। सबके कहने में आ गई, कितनी भोली लगी है नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, सबके कहने में आ जाती हैं, घर वालों के कहने में भी आ जाती हैं। जी जी आ। अच्छा माशाल्लाह, अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? मेरा अभी 6। जी भी अच्छा, अल्लाह ताला का कामयाब कर, तो खैर से निकल जाएगा कहीं फंस? जी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, क्या बात है। ये दांत किसी ने किए थे, मुक्के मारे थे घर में बच्चों ने कज़न से मिल के, या कुदरती हो गए थे आपके? इस बात के लिए आपका सिर्फ मैं ही मनी हूँ। अरे नहीं आते थे, असल में ये चीज़ है जो लोग काम करवाते हैं है ना, लोग खड्डे कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, मुझे डर लगता है आप लड़ाई वड़ी तो कभी नहीं किया। सुनिए खाते हैं माशाल्लाह, क्या क्या घर में पका लेती हैं आप? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं भाई, कितने अच्छे। अच्छा मुझे ये बताएं कि निहार मुँह हम कितने अंडे खा सकते हैं? मुझे क्या पता, जैसे कॉमन सेंस सोच है, निहार मुँह कितने अंडे खा सकते हैं? मैंने पूछा निहार मुँह कितने अंडे खा सकते हैं? हाँ जी, कितने अंडे खा सकते हैं? मे बी 2 or 3। 2 or 3। या कौन है जो पीछे करने वाला जीतता है? व्हाट? हाँ, पीछे करने वाला जीतता है। पीछे करने वाला जीतता है, जो पीछे करता है वो जीतता है। बैक बाइटिंग वाला क्यों करते हैं हम बैक बाइटिंग? लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है या लड़कों में? ओए होए, फुल डायरेक्ट झुझुम, क्या वजह क्या है? जेलस होते हैं एक दूसरे से, लड़के ग्रेट्स। हाँ ग्रेट्स। अच्छा ग्रेट्स से जेलस होते हैं या पर्सनालिटी से भी लोग जेलस होते हैं? नहीं पर्सनालिटी से नहीं होते। अच्छा समटाइम्स होते हैं बट आई डोंट केयर। मतलब यूनिवर्सिटी में ऐसा लगता है कि ग्रेड में लड़का लड़कियां आपस में जेलस होते हैं अच्छे से और टीचर को बोलते हैं आप इनको ज्यादा नंबर दो। एग्जैक्टली। और ये देखो जरा क्या सर, आपने इसको नंबर क्यों दिए, ये तो आती भी नहीं है सर, वो आता भी नहीं है, वो पढ़ता भी है, हम तो सारे दिन नोट्स बनाए, नोट्स है ना, नोट्स पढ़ते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला को खुश रखे, कामयाब रहे। थैंक यू सो मच। कैसे हो जी? बिल्कुल। क्या नाम? सात नाम है। सात क्या, किसने रखा था? 7, 8, 9। वाह क्या बात है। क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं अभी एंट्री टेस्ट दिया, मैंने दे दिया जी। किसमें? कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने अप्लाई किया। ठीक है, हो गया जी? बेस्ट है। आसान सवाल आए थे? सही है, इजी है। इजी थे? हलवा थे। हलवा खा के आए थे रात में? हलवा खा के आए थे, ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, थोड़ी छपाई वपाई भी हो गई थी। और अच्छा ऑनलाइन था ना? ऑनलाइन बैठ गए घर बैठ के। अरे क्या मतलब, तो नहीं लग रहा है, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। मेरे ख्याल से छपाई नहीं होनी चाहिए, बुरी बात है। बुरी बात है मगर हो रही है, हो रही है आजकल, हो रही है, जगह जगह छप रहे हैं, अखबार छप रहे हैं, हम भी छप रहे हैं, कहीं भी छप जाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे पता निहार मुँह कितने आप अंडे खा सकते हैं? मैं 2 अंडे खा सकता हूँ। 2 अंडे खा सकते हैं, जैसा कॉमन सेंस क्वेश्चन। अच्छा हाँ, निहार मुँह धूप आ गई। हाँ निहार मुँह कितने अंडे खा सकते हैं? कितने अंडे खा सकते हैं? उबले में होंगे या हाफड़े पसंद है आपको? आपने क्वेश्चन किया ना। हाँ कौन से पसंद, अंडे उबले हुए या हाफ फ्राई? उबले हुए भी खा सकता हूँ, हाफ फ्राई। उबले भी लगवा देना। अच्छा तो मुझे बताओ पीछे करने वाला जीतता कौन है? वो जो पीछे करता है वो जीतता है, कौन है जो पीछे करता है और जीतता है? नो आइडिया। ये लैक होते ना, लैक खेचा तानी, लड़कियाँ ज़्यादा लड़के ज़्यादा? लड़के ज़्यादा करते हैं खेचा तानी। आपको पीछे किया ऊपर चढ़ के निकल गए? हाँ। क्यों करते हैं ये लोग, क्या हासिल होता है उसके बाद?
यार बस ऐसे ही है यार, वो बस अपने आप को आगे लाने के लिए करते हैं लोग। स्टूडेंट लाइफ में भी हुआ है, यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता है? नहीं मैं अभी दाखिला लूंगा ना सर। कॉलेज में ऐसा था? कॉलेज में था ऐसा बहुत था, तबियत से खींचा था नहीं। हाँ बहुत। नंबर क्यों दे दिए इसको ज्यादा? हाँ है ना। हाँ कितने नंबर आए थे मेरे? 87 आए मेरे। वो खैर हो गई। कौन से कॉलेज से? फॉरमैन। फॉरमैन से आए? हाँ। अब यहाँ पे आ गए जी। क्या बात है, खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह को जजाकल्लाह। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? शाकिर खान। किसने रखा था ये? हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने रखा था। अरे माशाल्लाह, क्या कर रहे हो आजकल यहाँ पे? मैं बस यूनिवर्सिटी छोड़ती नहीं है, बुला लेती है। बुला लेती है। पेपर रह गया वो आगे दे दो, मतलब? नहीं नहीं, कोई रहा नहीं है, फीस रह गया आगे दे दो। नहीं, प्रोजेक्ट ने बड़ा बस फंसा दिया। फंसा दिया। कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? हम सॉफ्टवेयर पे गेम बना रहे। गेम बना रहे हो भाई, बच्चों तैयार हो जाओ। कौन सा गेम आने वाला है? वीआर रिपेयरिंग का गेम है। अच्छा, वर्चुअल रियलिटी का। क्या है ये? ये गेम है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग से, उसमें एज अ गेम की सूरत में रिपेयरिंग देंगे तो बच्चे खेलेंगे। जी मतलब रिपेयर करने से? रिपेयर करना बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी जो अप्लायंसेस होती है, ठीक है उसकी। अच्छा ये वाला, इस तरह का गेम, मतलब नशोनुमा के लिए, तरबियत तरबियत के लिए, तरबियत वाले गेम होने चाहिए। ट्रेनिंग हम देंगे। ट्रेनिंग आप लोग देंगे एज अ गेम की उसमें? अरे यार ये तो बड़ा, यानी गेम भी होगा और काम भी मतलब निकल जाएगा। निकल जाएगा। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं बस पीछे खींचो और बस आगे बढ़ी जाओ, हम जीत गए, हम जीत गए? हाँ ये पीछे करने वाले जीत जाते हैं। हाँ ये बस, ये जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, जो कॉम्पिटिशन को जिंदगी मौत तक है समझ लेते हैं, ये वही लोग होते हैं। बस छोड़ो, मत करो, हम कर लेंगे, तुम हाँ। तुम नहीं, वो कहते हैं पीछे जो करेगा वो जीतेगा। नहीं ये तो बस, ये बड़ा खराब लोग होते हैं। ऐसा कॉमन सेंस क्वेश्चन लड़के। ये वही लोग होते हैं जो कंपटीशन को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। ना, अमेरिका बोलो 5 दफा। अमेरिका बोलो 5 दफा। अमेरिका या अमेरिका? अमेरिका। अमेरिका। हाँ जल्दी बोलो। अमेरिका 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 अमेरिका। जल्दी बोलो। अमेरिका। जल्दी अमेरिका बोलता रहे। अमेरिका अमेरिका। क्या ये कौन लोग होते हैं जो टांगे खींचते हैं, टांगे अड़ाते हैं, इनको क्या फायदा होता है? ये यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं, क्लास फेलो, जो टांग खींच लेते हैं, टांग अड़ा लेते हैं। इस मामले का अच्छा काम कर रहा है, मैंने अच्छा असाइनमेंट दे दिया, मिसेस ने कॉपी किया है। अरे तुम ये वही लोग होते हैं, इसमें हम चीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन चीटिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। ये कुछ लोग होते हैं इस तरह के, जो टांगे खींचते हैं, टांग अड़ा देते हैं। वो आ गया तुम्हारा दोस्त, कह रहा है इसीने टांगे खींची थी। बहुत शुक्रिया, इससे पहले वो तुम्हारी मेरी टुकाई लगाए। खुश रहो, आबाद रहो, तुम यहाँ से निकलो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये जो नाज़रीन देखे, जो मुस्कुराहट होती है ना, ये बड़ी ये दुख भरी मुस्कुराहट है। हाँ ठीक है। अच्छा क्या नाम है बहन आपका? आयशा रहमान। अच्छा क्या पढ़ रही हैं आप यहाँ पे? कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर पढ़ लिया आपने? बस लास्ट सेमेस्टर। आपने जब एडमिशन लिया था आपको ये नहीं पता था कि बिजली बहुत जाएगी, तो कंप्यूटर कैसे चलेगा, सिस्टम कैसे चलेंगे? बस क्या करें, अब हो रहा है, अब तो कर लिया हमने, अब तो कर लिया है भाई, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बहुत आगे ले जाए। तो अभी कहीं अप्लाई कर दिए जॉब के लिए या क्या मतलब? नॉट येट, अभी इंशाल्लाह लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, अभी खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अल्लाह कामयाब करे। मैं पूछा था ये कौन लोग हैं जो जीत के हार मांगते हैं? जीत के जो हार मांगते हैं? हाँ, जीत नहीं चाहिए तो कहते हैं मुझे हार चाहिए। हार चाहिए वो पागल होता है आई डोंट नो। तो पहली लाइक कॉमन सेंस टाइप कह सकते हैं इसको आप। जीत के जो हाँ, हार मांगते नहीं नहीं, वो कहते हैं हमें जीत नहीं चाहिए, हमें हार चाहिए। आई डोंट नो। तो कौन लोग होते हैं जो ये हार मांगते हैं? बस हार हार दे हार दे हार। ये कौन सा हार मांग रहे हैं? आप बताएं कौन सा, भरी भरी हैं आप काफी हद तक। कौन सा हार मांग रही है ये भी तो डिपेंड करता है। आपके ख्याल में भी कौन सा हार आ रहा है? मैं लड़की हूँ तो मैं तो ज्वेलरी की बात करूंगी। बहुत करीब है, बहुत करीब है। प्लीज तो डिपेंड करें। और कौन सा जीत? वो कहते हैं हमें जीत नहीं चाहिए, हमें हार चाहिए। जीत नहीं चाहिए, हमें हार चाहिए। ये भी अच्छा है, काफी करीब करीब है। हार हार एक होती है, एक डिफीट होती है, एक आप ज्वेलरी होता है आपका, और एक एक हमारे पास एक जो फूलों का हार होता है वो होता है। फाइनल कौन सा? जल्दी बताएं फटाफट। मैं ज्वेलरी पे जाऊंगी। ज्वेलरी पे जाएंगे, मान लेते हैं है ना भाई। ज्वेलरी भी है और इन्होंने तकरीबन फूल भी कह दिए, फूलों का भी हार होता है, लोग जीत के भी हार मांगते हैं, ये आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो भाई एक जैसे कॉमन सेंस, अच्छा मैं पूछा था कि ये खींचा तानी लफ्ज है या लैक पॉलिंग आप कह सकते हैं, लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है लड़कों में? ये आई गेस प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा पाया जाता है, फिर है। वो लड़कियाँ हो या लड़के हो, दैट डजंट मैटर, क्योंकि आप प्रोफेशनली जब आप एक कहीं जाते हैं जी जी। तो वहाँ पे खींचातानी बहुत होती है इसकी और उसकी पोजीशन। स्टूडेंट लाइफ में क्या पाया आपने, यहाँ पे किस तरह की खींचातानी थी यहाँ पे? मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो हम लोग तो खींचातानी कभी की नहीं, कभी नहीं करते भाई, करनी नहीं। लेकिन बाकी है कि अभी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, अब आप जा रही हैं है ना। अब मुझे बताएं कौन से दोस्त पायदार रहते हैं, दोस्ती कामयाब रहती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी?
दोस्त स्कूल के बहुत ज़्यादा पायदार होते हैं, यूनिवर्सिटी का ये और कॉलेज का ये होता है, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो आप सर्कल में हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट में नहीं हैं तो फिर सब कुछ इवेंचुअली इट फेड अवे। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। आप बताएं आपका? शर्जील रहमान। एडमिशन हो गया या होना है? एडमिशन के लिए फॉर्म जमा कराना है। फॉर्म जमा कराने हैं तो यहाँ जा रहे हैं वहाँ जाना चाहिए? एडमिशन ऑफिस नीचे। अच्छा, एडमिशन भाई ये बहुत गहरी बात है। क्या किस में चुना आपने सब्जेक्ट? कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ा, तो ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्यों चुना भाई? मतलब क्या लाइट इतनी जा रही है, कंप्यूटर कैसे चलेगा, सोचा कभी इस बारे में? इस पर इतना गौर फिक्र करा, जनरेटर होगा अगर मैं यूपीएस होगा। यूपीएस है सोचेंगे तो क्या बात है माशाल्लाह। क्या इसमें इंटर किसने किया आपने? इंटर मैंने प्रिंट इंजीनियरिंग से किया था। और कितने मार्क्स बने माशाल्लाह? मेरी 87%। क्या बात है, लड़कों में भी इतना टैलेंट है यार। ये मुझे बताओ, ये खींचातानी किसमें होती है? लड़कियों में ज़्यादा होती है या लड़कों में ज़्यादा होती है? लड़कियों में ज़्यादा होती है। और किस लेवल की होती है? एक्सट्रीम लेवल। और लड़कों में कौन सी टाइप की खींचातानी होती है? ब्लैक पुलिंग लाइक नॉर्मली होती है? नॉर्मली होती है, ठीक है। मुझे बताएं वो क्या है जिसको पीछे करने वाला जीत जाता है? जिसको पीछे करने वाला, हाँ, जो पीछे करता है वो जीतता है। एक होती जीत, एक होती हार। लोग जीत के भी हार मांगते हैं वो ऐसे ही, जो जीत के भी हार मांगते हैं। ये पहेली है, ये जो जीत के भी हार मांगते हैं, भाई हार चाहिए मुझे। कोई मतलब जो अपने ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ाना चाहते? हाँ, नंबर आना चाहते ऐसा ही है। अमरीका बोले पाँच दफ़ा अमरीका बोलना। अमरीका, हाँ बोलते रहे अमरीका। हाँ अमरीका, गैप नहीं लेना। अमरीका अमरीका अमरीका। अल्लाह ताला खुश रखे, खैर से तुम्हारा एडमिशन करा है, खुश रहो, बाद रहो। अस्सलामुअलैकुम, एडमिशन हो गया, होने वाला है? अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा, हो रहा है, हो रहा है। आप इनका एडमिशन कराने आएंगे? जी जी। और अम्मी आई भाई माशाल्लाह, अम्मी कैसी हैं? ठीक है माशाल्लाह। इन दोनों बच्चों का करवा दिया? इनका करवा दिया। प्री इंजीनियरिंग, क्योंकि खुद करने नहीं है आपको, साथ में तंग किए इस उम्र में? नहीं, मैं आती हूं हमेशा। क्या बात है बच्चों का, ये अच्छा है। अम्मी कहां एडमिशन करवा रही हैं? मैं यहीं करवा रही हूं, यहीं एडमिशन सर सैयद में करवा रही हूं। खुद की चॉइस थी, घर के करीब था, क्या मतलब? बस ये थोड़ा नंदिया रास्ता हमारे घर से। माशाल्लाह। हां भाई, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक। क्या किस अम्मी साथ आई, क्यों अकेले आने में? दिल नहीं कर रहा था घर से निकलने को, मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। हैं वो हर जगह साथ आती। अम्मी की बात ही अलग है ना भाई, साथ साथ आए अम्मी। अच्छा, क्या पढ़ा आपने और यहाँ पे कैसे पहुँची आप? बस ये वेल नोन यूनिवर्सिटीज में से एक है। बिल्कुल, हाँ। तो अभी क्या क्या लिया आपने सब्जेक्ट? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ली। तो लग रहा है कि आगे यही कामयाब है? लाइट तो बहुत जा रही है, सॉफ्टवेयर कहाँ पे चलेगा? मतलब मोबाइल तक ही रह गया, मतलब वो भी चार्जिंग पे, पावर बैंक पे? अभी देखते हैं, यही पढ़ रहे हैं। नहीं, ये भी सोचना चाहिए ना। अहम देखें, होता है ना, इंसान कोई सब्जेक्ट लेता है तो आप पहले मान लेते हैं जो हमारे जनरेटर ले लेंगे। जनरेटर ले लेंगे भाई, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। सोलर ले लेंगे? हाँ, सोलर नहीं ले सकते, अनअफोर्डेबल है, बड़ा महंगा। डिपेंड ऑन यू, कितने केवी का लगा रहे हैं? 5 में लगवाने काफी है। ओह माय गॉड, सस्ता 5-6 लाख में लग जाए। मैं 3 का ले लूँ, बहुत बड़ी बात। क्या बात है अमी जी, मैं एक सवाल करूँ से आपकी बेटी से करूँगा। अमी जी, मैं पूछ रहा था कि हम निहार मुँह, हम कितने अंडे खा सकते हैं? इससे कॉमन, मैं तो एक भी नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे कोलेस्ट्रॉल। नहीं, वो कहते हैं फिर जर्दी के बगैर खाएं। हाँ, वाइट खा लेते, वाइट खा लेते। हाँ चले, दो बॉइल करके उनकी दो की वाइट खा लेंगे, दो की खा लेंगे। हाँ, निहार मुँह कितने अंडे खा लोगी? एक भी नहीं। छोटी बहन, स्कूल कॉलेज? और ये स्कूल कॉलेज वाले बच्चे भी आ गए? कॉलेज, कॉलेज के बच्चे। तो एडमिशन कब लोगी बेटे? सेकंड ईयर में। अभी सेकंड, इंशाल्लाह। वही कंप्यूटर साइंस, बिजली नहीं जा, बिजली बहुत जा रही, ध्यान रखना। अच्छा, फंस जाओ गले वगैरह हैं। अच्छा मुझे बताओ, तुम निहार में कितने हम वो खा लेंगे अंडे? एक खा लेंगे। अच्छा, पीछे करने वाले जीतते हैं? कौन लोग होते हैं जो पीछे करके जीत जाते हैं? पहले कॉलेज के बच्चों से आज जो पैकेज मिल गया पूरा। हाँ जी, कॉलेज यूनिवर्सिटी अम्मी एक्सपीरियंस। हाँ, नहीं समझ आया। पीछे करने वाले जीतते हैं, कौन होता है जो पीछे करने वाले जीतते हैं? चीटिंग। ओए अम्मी, एक्सपीरियंस अम्मी आप ले। हाँ, चीटिंग करने वाले जीतते। ये तो सबसे आगे बैठ जाती है, इतनी बेवकूफ है। कैसी बेवकूफ लड़की है? अरे बेटे, नुक्कड़ पे बैठते हैं, भर्रे भर्रे लेके, मतलब क्या कर रही हो तुम? डाल देती है कि मुझे तो आगे ही बैठना है। लो भाई, बताओ जरा से, अम्मा इतना अच्छा समझा रही है। बात सुनो बेटे, असूल होते, तरीके होते हैं। माइक्रो करते हैं आप भाई? अच्छा, माइक्रो नहीं कर रहे आजकल, मोबाइल का जमाना आ गया, माइक्रो की जरूरत नहीं है। अच्छा माशाल्लाह, खुश रहो बेटा, इसी तरह मुस्कुराते रहो। हाँ बताओ, पीछे करने वाले जीतते हैं? कौन है जो पीछे करने वाले जीतते हैं? जो चीटिंग करते हैं। अच्छा, ये जो लोग हैं हमारे यहाँ, आप पहला जवाब दें। हाँ, ये कौन लोग हैं जो पीछे करके जीत जाते हैं? कहते हम जीत गए। नालायक होते हैं ना, नालायक लोग, नालायक किस्म के। और क्या, आज की जनरेशन पढ़ते वढ़ते नहीं है, पीछे बैठ के चीटिंग करते हैं, मोबाइल ले जाते हैं। बताओ, ये आजकल के बच्चे अम्मी वक्त क्यों नहीं उठ रहे हैं?
पहले बच्चों से फिर अम्मी की राय लेंगे। देर तक सोना अच्छा लगता है, देर से सोना अच्छा, और रात को जागना बहुत अच्छा लगता है, ऑर्डर करना बहुत अच्छा, फूड पांडा और रात को 12 बजे तो हमारे यहाँ मतलब बैकअप हो जाता है। आंटी हमारी लैंग्वेज बोलने बैकअप और क्या, अरे चमाट पड़ जाता है अगर ज्यादा हो जाए तो। नहीं मेरा ही पड़ता है, सिंगल मदर हूँ, डेथ हो गई इनके फादर। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब आपका आपके हथियार कौन कौन से, चमाट काफी है? हाँ हाँ, नहीं एक तो वो झाड़ू है, नहीं नहीं नहीं, एक तो ये कि चप्पल की तरफ जाना पड़ता है, चप्पल जाना पड़ता है, उठाए उठाए बगैर काम हो जाता है। अरे भाई वाह, अम्मी की दहशत चेक करें। इसकी वजह यही है कि आज के बच्चे जो है तभी सुधरे हैं, पता नहीं आज के हमारी अम्मी चप्पल नहीं उठा रही। नहीं नहीं उठान, बस इन लोग ये मौका नहीं देते उठाने। माशाल्लाह कितने अच्छे बच्चे हैं। अम्मी की चप्पल, अम्मी से आंखों भी जाती है चप्पल की तरफ, वो तुम शॉर्ट। अम्मी मैं अभी पानी लाई, मैं पानी लाई, मैं भी उठती हूँ। कितने बजे उठती हो बेटे? 10-11 बजे। 10-11 बजे, बहुत लेट। माशाल्लाह। अच्छा तो कॉलेज जा रही है नहीं क्या आप? गवर्नमेंट कॉलेज है, नहीं जा रही। ठीक, अच्छा क्या अम्मी क्या वजह, आपके दौर में तो लोग जाया करते थे? हम तो जाते थे रेगुलर, तो टीचर भी आया करते थे, आते थे, पढ़ाई भी होती थी। अभी आजकल के कॉलेजों में तो नहीं होती ना, अभी कोचिंग जाओ ये 5-7 जाती है, कोचिंग टाइम्स में लिया हुआ एडमिशन। और ये तो अभी फारिग घूम रही है, अभी इनका भी शुरू होने 4 तारीख से क्लास। आप देखा ये क्यों फारिग कर रही है? हां नहीं और क्या, मैं बोर हो जाती हूं ना ये अकेले यार। कितने कितने माशाल्लाह, पूरा पैकेज फुल एंटरटेनमेंट। आप देखें अल्लाह ताला आप लोगों को यूँ हंसता बसता रखे। और मैं कहता हूँ ये टाइम बड़ा गोल्डन टाइम होता है, जब यूनिवर्सिटी कॉलेज ये टाइम होता है, सबसे अच्छा टाइम भी लगता है। ये बैठी हुई है, मतलब ये इंटर किया है, बैठी हुई बेटा 2 साल से बैठी हो, कुछ कर लो, रोटियाँ पका लो, आलू कुछ पका लो, मतलब अम्मी खाना पकाती है? नहीं, ये सिर्फ पास्ता बना लेती है, पिज्जा बना लेती है, चाइनीज बना लेती है। ये कॉन्टिनेंटल बच्ची है ना, पाकिस्तानी नहीं है। बर्गर बच्चे, बर्गर बच्चे। हाँ तो चलो बर्गर बच्चे, एक लफ्ज़ है अमरीका, इसे टांग खींच राइट, अमरीका बोलना 5 दफ़ा, कुछ और ना निकले मुंह से। अमरीका 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 अमरीका, क्या बोल रही है? अमरीका 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 अमरीका, क्या सुनने को मिल रहा है ना? अब बोलें, अब सुन रहे, क्या बोल रही है? अमरीका 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 अमरीका, मैं अमरीका बोल रहा हूँ। अमरीका अमरीका बोल रही है ना, बिल्कुल सही बात की। अब गौर करना ही, कुछ और उनके मुँह से सुनने को लगेगा, बोले जरा। अमरीका 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 अमरीका, ये काफ से शुरू कर रही हैं, हम ए से शुरू करवा रहे हैं काम। अमरीका, हाँ प्लीज जी। अमरीका 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 अमरीका, है ना, है ना, ऐसे ही ना, क्या और क्या, सही बोल गई। देना जरा जना, ये लड़की, ये लोग, तुमने सही अमेरिका बोला है, पकड़ें, ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा, ठीक है, आपके पास रहेगा। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह भाई। अमेरिका है, कामरी नहीं है कोई वर्ड, ठीक है। अच्छा वर्ड ऐसा है ना अमेरिका को, जल्दी हम बोलें, जल्दी में ऑब्वियसली वो टंग्स वो टंग ट्विस्ट हो जाती है। चलें अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, कामयाब करे, बहुत सुने आमीन। वफ़ा लेते हैं, वफ़े बाद दोबारा हाजिर खदमत होते हैं प्रोग्राम हमारा, तो आपका मेज़बान हज़रत अली बेग आपके साथ। क्या बनना है ये बात है ना। तो अभी आप यहाँ क्या बनने आए हैं? आप मैं कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर बना दिया आपको उन्होंने, बना ले, बस बनने वालों 6 महीने बन जाएंगे आप, 6 महीने में बन जाओ। कौन लोग होते हैं जो टांगे खींचते हैं? वो तो यार मेरा आज तक इनसे कोई वास्ता पड़ा नहीं है। आपके किसी ने टांगे नहीं खींची? नहीं खींची यार। नहीं, एक ये तो मुहावरा है ना, टांगे खींचना, पूछता तो कोई नहीं है। मतलब किस सेंस में आप पूछ रहे हैं? मतलब जैसे होता है आप काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक अच्छे नंबर ले रहे हैं, तो दोस्त अहबाब यार ये क्या लड़कों में तो नहीं होता, लड़कियों में होता होगा। लड़कियों में होता है, लड़कों में तो ऐसा कुछ ऐसा सीन होता ही नहीं है। नहीं होता, वो तो बस पास हो जाए बड़ी बात होती है ना। अच्छा वो क्या है, वो हार मांगता है, मतलब जीत के भी हार मांगता है। कौन है वो, कौन है वो जो जीत के भी हार मांगता है? ये मुझे आइडिया नहीं कौन होता। लोग कहते हैं जीतो यानी हारो, अजीत है।
जीतो ना हारो हमें तुमसे प्यार है। ये पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं हाँ वैसे कौन पसंद है क्रिकेट टीम में? बाबर आजम अच्छा चल रहा है। बाबर आजम जी ग्रेट ऐसा ही है सर। अमरीका बोलना पाँच दफ़ा। अमरीका क्यों बोल रहे हैं? पाँच दफ़ा बोला नहीं पहले पता है हर बंदा अमरीका अमरीका कर रहा है। हम भी कर लेंगे अमरीका अमरीका। आप बताए ना किस सेंस में नारे लगाने? टंग ट्विस्ट सर दैट्स इट। अमरीका 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 नहीं कामरी नहीं बोलना अमरीका बोलना है। अमरीका 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 कामरी कामरी कहाँ बोल रहा हूँ यार। खुश रहें आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें ग्रामी अरीबा पढ़ रही हो? पढ़ा रही हूँ। नहीं नहीं मैं फाइनल ईयर हूँ। हो गया? नहीं मतलब लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। लास्ट सेमेस्टर बेहतरीन यानी आज़ादी मिलने वाली है जी। नहीं आगे ही पढ़ना है। अच्छा आगे पढ़ना है। नहीं यहाँ से तो मिल जाएगी ना। हाँ, चार साल मुकम्मल हो जाएंगे। जो बात है जो ठीक है। चार साल में मुकम्मल किया खैर से? हाँ हो गया। क्या डिफरेंस लगा? क्या फ़ायदा? क्या मतलब याद रह जाएगी यहाँ की? बस दिल ही दुखा और तो कुछ नहीं मिला यहाँ से। दोस्तों ने बड़ा दिल दुखाया मेरा। क्या वजह क्या पेश आई दोस्तों दुखाने की? ऐसे ही क्या करें सारे साफ हैं। सारे ना सारे एक्सप्लोर करेंगे। टांगे खींचाने कौन लोग होते हैं पता नहीं कौन हो क्या तो क्या फ़ायदा क्या मिलता है जो टांगे खींचते हैं पता नहीं। मैं तो बात ही नहीं करती किसी से। नहीं करती ना नहीं। और ये बताएंगे जो पीछे करता है वो जीतता है वो कौन होता है? क्या मतलब जो पीछे करता है वो जीतता है कौन लोग होते हैं? जो पीछे करते हैं। हाँ जो पीछे करते हैं वो जीतता है। पता नहीं जीतते होंगे भाई हम तो वैसे इतने परेशान हैं यहाँ पे। हाँ क्या हुआ क्या हम क्या है आपको तकलीफ बताए हम बताए हम ये कि मुझे डेंगू है। मैं तो डेंगू हो गया। ओए होए अब कैसा है डेंगू ठीक है वो मर गया? नहीं नहीं तब डेंगू अभी बहुत आराम है। अभी अभी आपको हुआ है? जी जी। कितने प्लेटलेट्स हो गए अभी? तो 68,000 है। 68 पे आ गई। चलो अल्लाह ताला खैर आफियत रखे सेहत दे आपको। खैर मैं पिछले साल 22,000 पे चला गया था लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा अब जाने नहीं दूंगा मैं। तो आप इसको पत्ते से खाइए। वो किसके पत्ते थे भाई? पपीते के। ठीक है तो आप मतलब डेंगू हुआ और आप यहाँ ही हैं? खैरियत काम है ना इसके यहाँ। चलो अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दे खैर दे। बहुत शुक्रिया। खुश रहें आबाद रहें भाई। डेंगू हो जाए तो आप पत्ते खाएं आप। बहुत शुक्रिया। ओके जनाब अली आज हम मौजूद थे सर सैयद यूनिवर्सिटी कराची में। जनाब अली और यहाँ बहुत से आए स्टूडेंट्स और दोस्त अहबाब वालदैन भी हमें मिले और बड़ा खूबी से इन्होंने हमारे प्रोग्राम को लुत्फानंदोज़ आपने किया उन्होंने भी किया और हमने कुछ सवाल भी किए उनकी राय का भी ली यकीनन। और आज का जो सवाल मेरा था वैसे कॉमन सेंस कह लें या पहेली कह लें जनाब अली कॉमन सेंस का पहले मैं पूछा था कि आप निहार मुख कितने आप अंडे खा सकते हैं वो तो जस्ट घुमाने के लिए कि बॉयल और फ्राई कर दिया था मैंने जस्ट कि जी आप पहली बाइट में आपका निहार मुंह ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने पूछा जनाब अली वो कौन है जो पीछे करने वाले जीत जाते हैं? उसूल भी है लॉ भी है पॉलिसी भी है कि भाई जो पीछे करते हैं वो जीत जाते हैं बस घुमाने के लिए था सोचना आपने समझना था तो लोगों ने इसका कहीं कुछ और ही मफहूम लिया ज़्यादातर जो हमने अपने प्रोग्राम में देखा। यकीनन आप भी ये सोच रहे होंगे तो भाई टग ऑफ वॉर सैंपल सी बात है रस्सा कशी जिसे कहा जाता है जो पीछे करता है यानी क्रॉस लाइन जो होती है दो पार्टीज़ के दरमियान में दो टीम्स के दरमियान में वो जो पीछे करता है या अपनी तरफ करे या वो वाले उस तरफ कर लें जो भी अपनी तरफ करेगा वो विनर करा पाता है। फिर जनाब अली मैंने पूछा वो कौन है जनाब अली जो जीत के भी हार मांगता है? तो भाई सिंपल सी वाले फूलों का हार हो या फिर नेकलेस वाला हार हो तो हार तो हार ही होता है सिर्फ सोचने की बात है कॉमन सेंस क्वेश्चन। और फिर मैंने करवाया टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर बहुत ही आसान सा था जस्ट फॉर द हैपनिंग लाइक कि आपकी जबान लड़खड़ा जाती है टीचर के सामने हो तब घबरा जाते हैं अम्मा अप्पा के सामने किसी के सामने या फिर डीलिंग की बात की जाए कारोबारी सतह पर बात की जाए या कहीं भी आप मौजूद हो बिल जमा कराने की बात हो या फिर कोई ऐसी बात जो कि आप ना कर पाए उसमें बात जबान लड़खड़ा जाए तो उसकी एक एक्सरसाइज है। कोई भी एक टंग ट्विस्टर ले लीजिए उस टंग ट्विस्टर को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी जबान जो लड़खड़ाती है हिल जाती है अल्फाजों का चुनाव बेहतर तरीके से नहीं हो पाता उससे बेहतर हो सकता है। तो वो था अमरीका बहुत ही आसान था लेकिन लोग सिर्फ गौर नहीं कर पा रहे थे जो बहुत से लोगों ने बेहतरीन अंदाज में किया अमरीका 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 नॉट अमरीका 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 अमरी तो लफ्ज कामरी 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 निकल रहा है कामरी निकल रहा नॉट कामरी नहीं अमरीका हमने निकालना है। तो जनाब इसी तरह हमारे था यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपनी राय का इजहार किया बहुत से लोग सी एस यानी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए आए हुए हैं कि पास आउट हो चुके हैं बहुत खुशी से जा रहे हैं यादें साथ लेके जा रहे हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी कराची से जनाब अली और बहुत से खुश हैं कि जनाब करीब भी है और नामी ग्रामी भी है और नंबर वन भी है जनाब तो भाई यहीं से हमने पढ़ना है। तो जनाब गुलशन इकबाल में मौजूद है और इसके तरफ के तमाम इलाके वो इससे मुस्तफ़ी हो सकते हैं। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल अपने मेज़बान अज़र अली बे को दीजिए इजाज़त फिर होगी मुलाकात पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह के बाद।